हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्म के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व एमसीक्यू टेस्ट नंबर 68 फ्रॉम टॉपिक सिनोनिम्स फ्रॉम फार्माकोग्नोसी तो फार्माकोग्नोसी के अंदर जो सिनोनिम्स आते हैं हर्बल ड्रग्स के तो ये सिनोनिम्स के रिलेटेड हम एम टेस्ट जो है वो सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में कि जो हमारा है एम सी क्यू टेस्ट नंबर सिक्सटी एट एंड दिस विल बी यूजफुल फॉर जी पैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्की ऐसे सभी एग्जामिनेशन के जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो सभी के अंदर ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेसन होगा फ्राम फार्माकॉग्नोसी एंड टॉपिक इज सिनोन सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बीफॉम एम फॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी परसुंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मारॉक्स परसुंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मारॉक्स के अंदर और वी आर थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स के फार्मारॉक्स के जो एक लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो आप सभी का फार्मारॉक्स के अंदर स्वागत है और आप सभी के सपोर्ट के कारण जो सिल्वर बटन की जो यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड है उसका फार्मारॉक्स को सम्मान मिला है सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीन वन लैक फैमिली अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ इसलिए सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की जो फार्मा रॉक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइस रहेगी सिर्फ हंड्रेड कि जहाँ पे आप जीपेट नाइपर डीआई फार्मासिस्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर पाओगे तो टेस्ट सीरीज़ की ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं से ऐप ऊपर आप, आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए आईफोन है तो एप स्टोर पर से डाउनलोड करिए तो एम सी क्यू टेस्ट नंबर सिक्सटी एट टॉपिक जो है हमारा सिनोनिम एंड सब्जेक्ट फार्माकॉग्स क्वेश्चन नंबर वन है कि अमेरिकन ऑयल सिनोनिम ऑफ विच ऑफ दिस ऑप्शन आर चिनोपोडियम, अंडाटोट्री तुलसी और केसिया एंगुस्टिफोलिया। तो क्वेश्चन यह है कि जो हम कहते हैं कि अमेरिकन वाम सीड अमेरिकन वाम सीड ऑइल तो ये कौन सी हर्बल ड्रग का सिनोनिम है तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चिनोपोडियम तो जो हम चिनोपोडियम ऑयल कहते हैं या फिर अमेरिकन वाम सीड ऑयल कहते हैं तो ये सभी के जो सिनोनिम्स एक ही है वो है अमेरिकन वाम सीड तो जानते हैं डिटेल में कि जो सभी का इन देखते हैं कि जो चिनोपोडियम कि जिसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर्म सीड ऑयल तो वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन चिनोपोडियम उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन थे कि लिपस्टिक ट्री तो जो अन्नाटो या फिर हम उसको कहते हैं बिक्सिन तो वो रहेगा तीसरा ऑप्शन था हमारा क्लव कि क्लव को हम कहते हैं कैरियोफाइलस यूजेनिया कैरियोफाइलस तुलसी की जो है होली बसिल जिसका सिनोनिम और इंडियन सेना की जिसको हम कहते हैं केसिया एंगोस्टिफोलिया केसिया एंगोस्टिफोलिया तो ये थे एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट ऑप्शन की जो दूसरे ऑप्शन हमें दिए थे उसके सिनोनिम ये है तो ये भी आपको प्रायोरिटी बेस पे तैयार करना है कि जिसमें से भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू लिपस्टिक ट्री इज़ अ सिनोनिम ऑफ चिनोपोडियम अन्नाटो ट्री तुलसी और नटमेक तो अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा उसी में से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो सही आंसर है अन्नाटो ट्री कि जो लिपस्टिक ट्री जो हम कहते हैं वो अन्नाटो ट्री का सिनोनिम है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल ये अन्नाटो ट्री तो स्पेशली ये जो यूज़ होता है एज अ डाई एज अ डाई अलग अलग जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन और उसमें भी स्पेशली जो लिपस्टिक वग़ैरह है उसके अंदर जो नेचुरल हम करें कलर के कि नेचुरल ऑरेंज रेड जैसा जो कलर हमें देता है ये और उसी के कारण ये लिपस्टिक जैसे जो प्रिपरेशन से उसमें ये यूज़ होता है जिसके कारण उसको लिपस्टिक ट्री भी कहा जाता है एज वेल एज अन्नाटो तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स है वो डाई एज अ वैक्सी मटेरियल तो बहुत सारे इसके अलग अलग यूज है कि जो यूज होता है इन वेरियस कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते कि चीनोपोडियम अभी सॉल्व किया हमने कि अमेरिकन बॉम्बसीड ऑयल अन्नाटो ट्री की जो बिक्सिन कि जो लिपस्टिक ट्रिक लव कैरियोफाइलस होली बसिल तुलसी नटमेग कि जिसको हम कहते हैं जायफल या फिर मिरीस्टिका फ्रेगनेंस ये उसका बायोलॉजिकल सोर्स है और उसको हम नटमेक भी कहते हैं जायफल भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑटमन क्रोकस अच्छे से समझिए ऑटमन क्रोकस और मीडो सेफ्रॉन सीड मीडो सैफ्रॉन सीट इज अनोनिम ऑफ थियोब्रोमा इंडियन सेफ्रॉन कोल्चिकम और सीनामॉन तो सही आंसर है उसका कोल्चिकम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि इंडियन सेफ्रॉन को सिलेक्ट करते हैं ये सैफ्रॉन वर्ड देखकर, कर बट मीडो सैफ्रॉन है या फिर ऑटमन क्रोकस है तो उसके लिए आंसर रहता है हमेशा कोल्चिकम तो थियोब्रोमा ऑयल की जिसको कोकोआ बटर हम कहते हैं सिन्नामोन की जो चाइनीज केसिया हम कहते हैं कई बार इंडियन सेफरॉन की जो है क्रोकस की जो क्रोकस जो हमारा इंडियन सेफरॉन और ऑटमन क्रोकस है सिर्फ क्रोकस नहीं साथ में ऑटमन क्रोकस लिखा है तो वो रहेगा कोल्ची और जिसका दूसरा नाम है मीडो सेफ्रॉन सीड तो वेरी वेरी मोस्ट आई एम पे क्वेस्न ये अच्छे से आपको याद रखना है एग्जाम के लिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पीनट ऑइल इज अ सिनोनिम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अराचिस ऑयल लिंसिड ऑयल ऑलिव ऑयल और हेडनोकार्पस ऑयल तो चौथा ऑप्शन है हाइडनोकॉर्पस ऑयल तो जो हम पीनट ऑयल कहते हैं कि पीनट ऑयल तो पीनट ऑयल के लिए कौन सा सिनोनिम जो है वो करेक्ट है तो उसका सही आंसर है अराची सॉइल कि पीनट ऑयल की जो यूजली हम कहते हैं यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि मूंगफली का जो हम तेल कहते हैं तो उसके ही ये सिनोनिम है पीनट ऑयल एज वेल एज़ अराची सॉइल तो अराची सॉइल इज इक्वल टू पीनट ऑयल इज इक्वल टू ग्राउंड नट ऑयल ये तीनों एक ही हर्ब्स के ऑयल के अलग अलग सिनोनिम है कि जो हम कहते हैं कि मूंगफली का जो तेल होता है उसके ये तीनों सिनोनिम है कि उसको हम अराची भी कहते हैं पीनट ऑयल भी कहते हैं एज वेल एज़ ग्राउंड नट ऑयल उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन थे कि कैस्टर ऑयल तो उसको हम रेसिनस ऑयल कहते हैं अराची सॉइल तो जो पीनट ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल लिन्ड ऑयल की जिसको फ्लैक्सीड ऑयल भी कहते हैं हम ऑलिव ऑयल की जो है सैलेड ऑयल एंड हाइडनोकार्पस ऑयल की जो चौल मोगरा ऑयल है कि जो लैप्रोसी के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होता है चौल मोगरा ऑयल तो ये था हमारा आज का ये मेन क्वेश्चन अराची सॉइल कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली का जो तेल अराची सॉइल और यहाँ पे उसके आप दाने भी देख सकते हैं तो इसका जो ऑयल है उसी को हम अराची सॉइल भी कहते हैं पीनट ऑयल भी कहते हैं और नट ऑयल क्वेश्चन नंबर फाइव है कि गैम्बियर कटैच्यू इज सीनेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैम्बियर कटेचू लिखा है ऑप्शन दिए है क्विलेला ब्लैक कटेचू पेल कटेचू और केसिया तो यहाँ पे सही आंसर है पेल कटेचू तो ये आपने देखा होगा कि पेल कटेचू कि जिसको हम कहते हैं गैम्बियर या फिर उसको कहा जाता है गैम्बियर कटेचू तो उसके अलग अलग सीनो ने रीजनल नेम हम देखे तो उसको पेल कटेचू कहा जाता है फिर हिंदी में उसको काथा कहा जाता है बंगाली के अंदर खैर कहा जाता है गुजराती के अंदर उसको काथो ऐसा कहते हैं तेलुगु के अंदर अंकु दुकुरा कहते हैं और उसके बायोलॉजिकल शेयर देखे हम तो पेल कटे जो कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एक्वियस एक्सट्रैक्ट प्री पैरल फ्रॉम द लीव्स एंड सूट्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर एंड उसकी जो फैमिली है वो है रूबिया सी ती जो ड्राई ड्राइड एक्वेस एक्सट्रैक्ट जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं पेल कटेचू कि जो हम काथा कहते हैं कत्था कि जो काथा डाला जाता है हम देखते हैं कि आ, पान वगैरह के अंदर जो काथा लगाया जाता है गुटखा वगैरह के अंदर होता है तो ये मटेरियल है ये काथा कि जिसको अलग अलग ट्रेडिशनल नेम्स के अंदर कहा जाता है काथा कहा जाता है कहीं पे कत्था कहा जाता है कोई जगह पे काथो कहा जाता है अंकुदुकुरा कहा जाता है बंगाली के अंदर उसको खैर कहा जाता है तो ये सब आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स मे एपल इज सिनोनिम फॉर गम कराया असाफिडा इंडियन टॉबिको और अमेरिकन पोडोफाइलम तो क्वेश्चन ये है कि मे एप्पल मे एप्पल तो मे एप्पल जो है वो सिनोनिम है अमेरिकन पोडोफाइलम का अमेरिकन पोडोफाइलम का आप यहाँ पे जो देख सकते हैं सही आंसर और ये है अमेरिकन पोडोफाइलम तो उसको मे ऐप्रेल हम कहते हैं एज वेल एज उसका जो दूसरा नाम है वो है अमेरिकन लाइव रूट अमेरिकन लाइव रूट की पोडोफाइलम पेल्टाटम पोडोफाइलम पेल्टाटम उसका बायोलॉजिकल सोर्स है तो दिस इज द प्रायोरिटी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए इंडियन ट्रेगा की जो सिनोनिम ऑप्शन uh, में दिए थे दूसरे तो उसको घम कराया कहते हैं हम डेविल्स डंग की जो असाफेटिडा की जो हम हिंग यूज करते हैं इंडियन स्क्विल की जो अर्जेनिया एंड इंडियन टॉबेको की उसका सिनोनिम है लॉबेलिया तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं मोस्ट प्रायोरिटी के बेस पे एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन नंबर सेवन घम करा इज सिनोनिम फॉर इंडियन अर्जेनिया और अकेसिया तो उसका सही आंसर है इंडियन ट्रगा कि कराया गम या फिर गम कराया जो हम कहते हैं तो आप यहां पे जो डायग्राम में देख रहे हैं वो है इंडियन ट्रगा कि जिसको कराया गम या फिर गम कराया कहते हैं ये वाला आप देख सकते हैं दिस वन ये वाले जो ये वाला जो गम है वो गम कराया कहा जाता है अमेरिकन फोडोफाइलम तो आपने सीखा कि मे इंडियन रेगा गम कराया कि जिसका बायोलॉजिकल स्कोर से स्टार कोरिया यूरेंस डेविल्स डॉफेटेडिया इंडियन स्कूल अर्जीनिया एंड इंडियन टोबेको लॉबेलिया क्वेश्चन नंबर एट हिप्पो इज सिनोनिम ऑफ विच हर्बल गुल इसमिक सीड और लिंसिड तो जो हिप्पो करके जो सिनोनिम है वो इपेकाक का है कि जो इपेकाक के जो सीड आते हैं उसका सिनोनिम है हिप्पो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका प्लांट कि जो इपेकाक का है और इपेक के जिसके अलग अलग हम नाम देखे सिनोनिम्स इपेकाकुना, ब्राजीलियन और जोहर इपे काक हिपो फिर इपिकाकान रूट रेडिक्स इपेकाकुना वगैरह उसके सिनोनिम से बायोलॉजिकल सोर्स देखे तो इपेका कंसिस्ट ऑफ द ड्राई रूट एंड राइजोम्स ऑफ सेफेलिस इपेकाकुना, एज वेल एज रियो और ब्राजीलियन सिपेकाक भी होते हैं कि जिसके सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स हम देखें तो सेफेलिस एक्यूमिनाटा बिलोंगिंग टू द फैमिली रूबियासी उसकी जो फैमिली है वो है रूबियासी एंड इट शुड कंटेन अबाउट टू परसेंट ऑफ इथर सोल्यूबल अल्केलाइड्स कैलकुलेटेड एस इमेटाइन की, की इपेका में से जो इमेटाइन हमें मिलता है कि जो इमेसिस के लिए कि जो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए हम यूज करते हैं इमेटाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नाइन पंचर वाइन इज सिनोनिम फॉर ग्रैप्स असाफोटिडा लोबेलिया और गोखरू। तो यहाँ पे लिखा है पंचर और पीछे है वाइन तो यहाँ पे गलती हो सकती है कि आप ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है और तुक्का लगाते हैं तो आप ग्रेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे वाइन पर से बट उसका सही आंसर है गोखरू ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोखरू तो गोखरू के जिसको हम कहते हैं पंचर वाइन ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस उसका मेन बायोलॉजिकल सोर्स है इज एन्युअल प्लांट ऑफ द काल्ट्रॉफ फैमिली इला से एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड पूरे विश्व के अंदर ये प्लांट फैला हुआ है इट मैनी विडी स्पीसीज दिस प्लांट हैज ए न्यूमरस कॉमन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिजन कि जिसको गॉड्स uh, हेड भी कहा जाता है गॉड्स हेड बिंदी कहा जाता है एज वेल एज बुल हेड भी कहा जाता है बरा गोखरू भी कहा जाता है वाकड़ी ये भी उसका नाम है कैल्ट्रॉप स्मॉल कैल्ट्रॉप्स कैट्स हेड वो भी उसका सिनोनिम है एज वेल एज डेविल्स आई की जो लेसिस हम कहते हैं डेविल्स आई लेसिस डेविल्स थॉर्न डेविल्स वीड पंचर वाइन एंड टैक वीड तो ये मैं कहूँ आपके लोग तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है आपके लिए ये गोखरू के सिनोनिम्स के मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट जरूर से आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर ये नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर टेन है कि स्प्रेडिंग हॉगविड स्प्रेडिंग हॉगविड इज द सिनोनिम ऑफ पुनर्नवा इंडियन स्क्विल असफोटिडा और अश्वगंधा तो सही आंसर है पुनर्नवा तो पुनर्नवा के जिसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग हॉगविड यहाँ पे जो हम प्लांट देख रहे हैं वो है ये पुनर्नवा तो पुनर्नवा का आप प्लांट देख सकते हैं यहाँ पे तो पुनर्नवा की बोहेरेविया डिफ्यूजा भी हम कहते हैं इज अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द फॉर ओ क्लॉक फैमिली विच इज कॉमनली नोन एज पुनर्नवा मीनिंग दैट विच रेजुविनेट्स द रिन्यूज द बॉडी इन द आयुर्वेदा पुनर्नवा की जो हमारी बॉडी को रेजुविनेट करता है आ, उसके दूसरे हम नाम देखें तो रेड स्पाइडरलिंग है स्प्रेडिंग हॉगविड एंड टारविन ये उसके अलग अलग पॉपुलर नेम है इट इज़ टेकन इन हर्बल मेडिसिन फॉर द पेन रिलीफ एंड अदर यूज पेन रिलीफ एज वेल एज रेजुविनेटर के तौर पे यूज़ होता है द लिव्स ऑफ बोरेविया डिफ्यूजा आर ऑफन यूज एज अ ग्रीन वेजिटेबल इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया इवन उसके जो लीव है वो ग्रीन वेजिटेबल के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं भारत के कई इलाकों में तो ये है पुनर्नवा तो ये हमने सॉल्व किया एम सी टेस्ट नंबर सिक्सटी एट लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए वीडियो को और ऐसे ही सॉल्व करिए क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के अंदर कि ऐसे ही एम सॉल्व करिए विथ प्रॉपर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ फार्मारॉक्स के टेस्ट सीरीज की जो आपको मिलेगी सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ में एक साल के लिए तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेम पैटर्न से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको सॉल्व करने को मिलेंगे कि जहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस भी मिलती है एक्सप्लेनेशन मिलता है रैंक जनरेट होता है तो जरूर से आपको डाउनलोड करिए एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज